देखो हमें कैलकुलेट करना है अब क्या नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने वाले हैं कि अगर कुछ ग्राम में दिया हो तो कितने मोल्स हैं या कोई एटम ने दिया हो तो कितने मोल्स हैं। तो यहाँ कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ पहले आपको जानना पड़ेगा दो तीन चीजें जिससे क्या क्या टॉपिक है अभी पढ़े थे हम लोग क्या मोलर मास पिछले में हम क्या पढ़े थे मोलर मास। ठीक है तो मोलर मास कैसे निकालते समझ में आया क्या आया समझ में। तो मोलर मास अगर एक एटम का निकालना चाहे मतलब समझना चलो ठीक है कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स ऐसे मान लो कि ये थ्री टाइप्स हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्या है आपका फोर एलिमेंट किसके लिए निकालेंगे फोर एलिमेंट एक ऐसा निकालेंगे जो कंपाउंड रहेगा ठीक है यानी फोर कंपाउंड ठीक है। और हम थर्ड देखेंगे किसके लिए फोर गैस के लिए देखेंगे अलग से कंपाउंड के लिए देखेंगे एक अलग अलग फॉर्मूला और एलिमेंट के लिए देखेंगे एक अलग फॉर्मूला। तो हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स काउंट करना है किसमें कोई एलिमेंट में ठीक है। तो एलिमेंट के लिए अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना रहे क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालना रहे किसका कोई भी एलिमेंट का ठीक है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि ऊपर रखोगे क्या गिवन वेट जो भी क्वेश्चन आपको गिवन वेट दिया रहेगा ठीक है यानी मास गिवन इसमें क्या करना है ऊपर में रखना है आपको क्या मास गिवन अपॉन नीचे ही चेंज करना है ग्राम एटॉमिक मास नीचे क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे GAM। तो वही बोलना चाह रहे थे उस टाइम हम कि ग्राम एटॉमिक मास पढ़ना है इसमें पढ़ना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो होता क्या है ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है मास ऑफ वन मोल एटम्स एटम का बात हो रहा है क्या ग्राम एटॉमिक मास से होता है कि मास ऑफ वन मोल एटम क्या होता है मास ऑफ वन मोल एटम मतलब अगर गिवेन वेट कर लो गिवेन मास अपॉन मास ऑफ वन मोल एटम जिस एटम का निकालना है जिस एलिमेंट का निकालना है गिवेन मास लगाओ और उसका मास ऑफ वन मोल एटम का मास निकाल लो ठीक है दोनों से डिवाइड कर दो किसका मास निकल जाएगा मेरे को नंबर ऑफ मोल्स किसका निकल जाएगा एलिमेंट का। अगर नंबर ऑफ मोल्स कंपाउंड का निकालना रहे उसके लिए क्या है गिवेन मास सेम चीज ठीक है गिवेन मास अपॉन में जाएगा क्या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोले तो मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब होता है कि मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल आया क्या समझ में कोई डाउट ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स ग्राम एटॉमिक मास यहाँ एटॉमिक है क्या तो यह वन मोल एटम समझ में आ रहा है क्या अगर एटॉमिक मास मतलब कि वन मोल एटम मॉलिक्यूलर मास मतलब वन मोल मॉलिक्यूल सही है तो ये आप अप्लाई करो किस पे कंपाउंड के लिए। अगर यहाँ पे गैस के लिए बात होता है तो गैस वॉल्यूम लेंगे क्या वॉल्यूम लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है इसमें होता क्या है वॉल्यूम गिवेन वॉल्यूम में दिया रहेगा नो यानी क्या रहेगा वॉल्यूम गिवेन अपॉन ए याद करने वाला चीज है 22.4 इन लीटर ये क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे करना है यानी एसटीपी एट क्या है एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोले तो यानी 273 केल्विन और प्रेशर कितना होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 273 केल्विन मतलब क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड समझ आया क्या। तो ये हमें निकालना है कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको तो एलिमेंट के लिए क्या यूज करना है मास गिवेन अपॉन ग्राम एटॉमिक मास कंपाउंड के लिए निकालना हो तो मास गिवेन अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ठीक है। अगर आपको गैस के लिए निकालना हो तो गिवेन वॉल्यूम जितना वॉल्यूम दिया रहेगा अपॉन 22.4 लीटर
एट क्या हो जाएगी टेम्परेचर और प्रेशर, वन टेम्परेचर होना 0 डिग्री सेल्सियस एन 273 केल्विन एंड प्रेशर 1 atm होना चाहिए, ठीक है सही है। अब मान लो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन दे दें आप लोगों को निकालने के लिए, सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन करवाते हैं, बाकी क्वेश्चन का सेशन अलग से रखेंगे, पूरा पूरा मोल कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कोई 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें बताओ कोई नंबर्स ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, मास गिवन कितना 64 ग्राम में दिया है, यानी कि नॉर्मल एक सा ग्राम ले लो आप जी ए एम, ठीक है। तो जी ए एम एक ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 16 ही रहेगा, बस क्या हो जाएगा यूनिट ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 16 सही था, कट करो कितना आएगा 4, यानी कितना मोल निकल गया मेरे को 4 मोल निकल गया, क्या बोलो क्वेश्चन करो जरा सब लोग। अगर आपको निकालना हो 4 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है 22 ग्राम ऑफ CO2 में आपको बताना है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ क्या पार्टिकल, सॉल्व हुआ क्या है? नहीं, देखो सही है क्या है 4 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो 4 ग्राम ऑफ कार्बन बोल रहा मतलब आप क्या करोगे मोल निकालना है, तो क्या होता है गिवन वेट अपॉन उसका ग्राम एटॉमिक वेट, यानी इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 12, तो यहाँ पे ग्राम लेना है यानी 12 ग्राम ले लो आपको, ठीक है। तो 4 अपॉन 12 हो जाएगा क्या, यानी कट जाएगा कितना जाएगा 1 अपॉन 3 मोल, कितना जाएगा 1/3 मोल, इसको चाहो तो कर सकते हो डिवाइड करके, वैसे नहीं डायरेक्टली लिख लो इतना 1/3 मोल आ गया किसका 4 ग्राम ऑफ कार्बन में। सेम क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है 22 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। तो पहले आप क्या करो मोल्स निकालो, कितना मोल्स आपको पता है एक मोल में कितना सारे पार्टिकल होते हैं 6.022 × 10²³ है पार्टिकल, है ना, जितना मोल्स आएगा उसके अनुसार पार्टिकल निकाल देगा, इजी था भाई, ठीक है। यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इसे बिठाते हैं, ठीक है 22 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है कैसे निकालोगे, इसमें क्या निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूल है क्या CO2 कंपाउंड है क्या CO2 कंपाउंड है, तो GMM चलेगा यहाँ पे, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, पहले तो गिवन मास निकालो क्या आया ऊपर में 22, मॉलिक्यूलर मास निकालो C का 12 प्लस O2 का 32 टोटल 44 क्या लेंगे यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे क्या करोगे 44 ग्राम लोगे ऊपर भी ग्राम में, कितना में डिवाइड हो गया 2 से हो गया क्या, यानी कि कितना मोल 1/2 मोल, है ना, तो 1/2 मोल, यानी अगर 1 मोल रहता तो नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 × 10²³, अगर हाफ मोल है कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दो कितना गया 3.011 × 10²³, इतने क्या निकाले हैं आपके नंबर ऑफ पार्टिकल, समझ में आया क्या, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके ऐसे निकलेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ठीक है।